आज की इस क्लास में हम ईमेल क्रिएट कैसे करते हैं या ईमेल को भेजते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं सीखने जा रहे हैं। ईमेल बनाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईमेल होता क्या है। तो यदि मोटे तौर पे हम बात करें, अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना, जैसे आपने डाकघर देखा होगा, डाकघर में क्या होता है कि आप कोई लेटर वगैरह अगर आपको कहीं पहुंचाना होता है किसी को भी, तो आप क्या करते हैं, उस लेटर को एक एनवलप होता है उसके अंदर लिखते हैं, या आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है, यानी कि आप एक लेटर को किसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी लेटर वगैरह पहुंचाते हैं, मान लीजिए फ़ोटो वगैरह पहुंचाते हैं, हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं, मनी के लिए तो आज के टाइम में बहुत सारे और ऑनलाइन जो हैं सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल फाइल को भेजने की या फ़ोटो वगैरह को भेजने की या उसे पढ़ने की। तो उसके लिए क्या करते थे आप, जब लेटर आप डाकघर में जाकर यानी डाकघर में जाकर उसको डालते थे, तो उसे लेटर पहुंचने में 3 से 4 दिन का वक्त लगता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, डिजिटल ज़माना हो चुका है, आज के टाइम में आप झटाक से एक क्लिक करेंगे और फटाक से जिसके पास जाना है वो मेल पहुंच जाएगा। तो मेल भेजने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जीमेल होता है, रेडिफ मेल होता है, हॉटमेल होता है, या और बहुत सारे मेल होते हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी फाइल, कोई भी लेटर, किसी भी तरह का फ़ोटो किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, जिसका फाइल का साइज़ एक लिमिटेड होता है। हालांकि कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं होती कि वो ना जाए, लेकिन आमतौर पे सारी फाइल चली जाती है। ईमेल एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक डाकघर है, ऐसे ही एक आपको इंटरनेट पे एक जगह लेनी होगी, इसको ईमेल बोलते हैं, यानी अपने नाम से एक ईमेल आईडी खोलनी होगी, जो आपका अकाउंट होगा उस अकाउंट के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति को मेल भेज सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से मेल भिजवा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे किसी दो व्यक्ति का मोबाइल नंबर एक जैसा नहीं होता, ऐसी किसी दो व्यक्ति की ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, यानी कि आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल यूनिक तरीके से होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं जीमेल पे, क्योंकि जीमेल सबसे पॉपुलर जो है मल्टीमीडिया, और जो कि सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग पाग ईमेल भेजते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने जा रहे हैं, और जीमेल आईडी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जानेंगे। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है, हमने इंटरनेट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में डालना है जीमेल डालना है, और जीमेल डाल के आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जीमेल गूगल, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। हमने इसे पहले से एक आईडी लॉगिन कर रखी थी, इसलिए वो डायरेक्ट एक हमारी जो लॉगिन आईडी है वो खोल रहा था, लेकिन हमने जो है अनदर पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हुआ कि हम दूसरी ईमेल को ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यदि आपका पहले से अकाउंट क्रिएट है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास पहले से ईमेल आईडी बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट पर आते हैं, और यहाँ पे पूछता है कि आप किस लिए अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नाम डालेंगे, और यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, उसका पासवर्ड, और फिर पासवर्ड कंफर्म करेंगे। पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें मिक्स लेटर और नंबर होने चाहिए, यानी कि आपके पास नंबर भी होने चाहिए और लेटर भी होने चाहिए, और कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, तभी वो पासवर्ड लेगा, नहीं तो पासवर्ड नहीं लेगा। तो हम चलिए डालते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरती, यहाँ पे पहला नाम डाल दिया, फिर लास्ट नाम डाल दिया, और जैसे कि हमने ईमेल आईडी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कुमार अमरीश 9898, यानी कि ये यूज़र नेम ऐसा है कि किसी दूसरे व्यक्ति का ऐसा नहीं होगा, तभी ये ले पाएगा। अगर मैं खाली 9898 को हटा देता, तो पता नहीं ये नाम पहले से कितने लोगों ने, किसी ने बनाया हुआ होगा। तो हमें यूनिक बनाना है, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, जैसे कि हमने बताया था 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है, जिसमें हमने मिक्स लेटर और नंबर कर दिए हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना है जो कि ऑप्शनल है, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे
फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और यहाँ पे जेंडर जो है सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये कहेगा वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, आपको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल पर कोड चला जाएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाल रखा होगा। डालने के बाद उस कोड को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछेगा ये, तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, यस आई एम इन कर देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ये आपको जीमेल के डैशबोर्ड में लेकर के आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो है गूगल की तरफ से आया है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी अगर आपको मैसेज पढ़ना है, आप अपने मोबाइल में पढ़ते हैं, इनबॉक्स में आता है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये गूगल की तरफ से आया है, हाय अमरीश, और ये करके ये आपको दिया है मैसेज। इस मैसेज को आप चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, आप अपने आर्काइव में ऐड भी कर सकते हैं, इसको स्पैम में भी डाल सकते हैं, अनरीड कर सकते हैं कि आप इसको ना पढ़ पाएं। ये सुनोज करके कुछ ऑप्शन होते हैं, इनका कोई खासा इस्तेमाल नहीं होता। आप यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करेंगे, वापस हम आते हैं। आने के बाद यहाँ पे स्टार्टेड वाले मैसेज होंगे तो यहाँ पे स्टार्टेड में आपको दिखाई देंगे, स्नोजेड वाले होंगे तो स्नोजेड में दिखाई देंगे। जो आप किसी को सेंड करेंगे वो यहाँ पे सेंड में आ जाएंगे, जो आपके नहीं जाते, जो ड्राफ्ट में रह जाते हैं, वो आपके ड्राफ्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे ऑल मेल, सारी मेल, जितने भी यहाँ पे जितने भी अलग अलग मेल आएंगे, आप चाहें तो उसको सब एक साथ देख सकते हैं। स्पैम वगैरह, कोई ट्रेस वगैरह आपने जो किया हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। हम इनबॉक्स की बात करते हैं, आप सारे मैसेज इनबॉक्स के अंदर पढ़ते हैं, या सेंड को हम देख सकते हैं किसको हमने सेंड किया, या फिर हम ड्राफ्ट देखते हैं। आमतौर पर अगर कोई सोशल मीडिया वगैरह से आते हैं तो हम इनको चेक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को मेल भेजना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे ये ऑप्शन आता है कंपोज का। जैसे आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। टू से मतलब ये है कि आपको जिस किसी व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति का आपको ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि आपका यूजर नेम था कुमार अमरीश 9898@gmail.com, ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का होगा, आप यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे हम डाल देते हैं एक ईमेल आईडी, रख लेते हैं ऐसे ही, हमने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दी। आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं दूसरी ईमेल आईडी। यहाँ पे आप भेजना क्या चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मान लीजिए हमको फाइल भेजना है तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट डाल सकते हैं। ये जो कॉलम है ये आपका एक पेज होता है, यहाँ पे आप चाहें तो मैसेज लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब हम आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आप इसको और दूसरे व्यक्ति को भी इसकी कार्बन कॉपी भेज सकते हैं। कार्बन कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कार्बन कॉपी आप दूसरे व्यक्ति का नाम लिखते चले जाएंगे जिस जिसको आपको भेजना है, एक दो जो भी आपको भेजना है वो सारे यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। यानी इस फाइल की कार्बन कॉपी आप और बहुत सारे व्यक्ति को भेज सकते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि जो हम फाइल भेज रहे हैं, एक फाइल मान लीजिए बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उन लोगों को पता ना चले कि एक दूसरे के पास क्या भेजा है, तो आप उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी के जरिए भेज सकते हैं। तो आप जो है ना ही इस व्यक्ति को पता चलेगा ना ही इस व्यक्ति को पता चलेगा कि इन पर कौन कौन सी फाइल आपकी जा रही है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है। आप यहाँ पे पेज का मतलब भी समझ गए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। आप अगर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, जैसे आपने एमएस वर्ड में सीखा था वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का जो है कलर है आप यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बात करते हैं अटैच फाइल। अगर आपको कोई फाइल अटैच करके भेजनी है, चाहे वो कोई फोटो के फॉर्मेट में हो, कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हो, तो आप क्या करेंगे, अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो ये आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट या जो रिसेंट आपने खोला होगा वहाँ पे ले जाएगा। और यहाँ भी आपकी फाइल पड़ी होगी, मान लीजिए मुझे जो है इसको एक ये इमेज भेजनी है या मान लीजिए एक पीडीएफ भेजनी है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे सुपर टीईटी की साइंस की बुक की पीडीएफ भेजनी है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ओपन किया। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा गूगल, और ये गूगल ड्राइव का लिंक जा रहा है। जब फाइल ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे 69 MB की है, तो ये गूगल ड्राइव में पहुँचा देता है। तो जब व्यक्ति इसको डाउनलोड करेगा तो गूगल ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप ये फाइल पड़ी होगी और डाउनलोड कर लेगा। गूगल ड्राइव के बारे में भी हम बात करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं, बहुत बड़ी फाइल है। गूगल ड्राइव का भी हम बता देंगे आपको। हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, वो 69 MB की थी, ये ले लेते हैं, ये छोटी सी फाइल है, ये डायरेक्ट आपकी यहीं पर आ जाएगी क्योंकि ये 40 KB की है। गूगल ड्राइव, यहाँ पे गूगल ड्राइव की हम अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे गूगल ड्राइव में जो है आपको यहाँ पे ड्राइव में जाते हैं आप अपने, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। गूगल ड्राइव में 15 GB तक डेटा जो है रख सकते हैं संभाल कर। यहाँ पे माई ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव यहाँ बनी होगी, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर वाइज हम बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, और गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक स्पेस देता है, उसके बाद जो है आपको खरीदना पड़ता है। कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे फाइल रख लेते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल का नाम लिख लेते हैं, और हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर फाइल नहीं है, हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल अपलोड होगा या पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड है, या तो एक पूरा का पूरा फोल्डर ही अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 फाइल हो, 15 फाइल हो, 20 फाइल हो, या मान लीजिए खाली बस एक एक फाइल अपलोड करनी है आपको, यहाँ पर आप फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी इसके अंदर डेटा संभाल कर रखना है, मान लीजिए ये भी रखना है, तो आप यहाँ पे जो है गूगल ड्राइव में जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप मेल करते हैं तो मेल में छोटी फाइल तो यहाँ पे ही ऐड हो जाती है, लेकिन जब आप बड़ी फाइल होती है तो गूगल ड्राइव में सेंड तो यहीं से होगी, लिंक भी ऐसा ही होगा। जब आप उसको मेल करेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएगा और डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है वो। यानी बड़ी फाइल जो होती है वो सीधा आपका ड्राइव पे पहुंच जाती है, गूगल ड्राइव पे। तो हमने गूगल ड्राइव के बारे में भी आपको बता दिया, ये अपलोड हो रही है, जो कि आपको 15 GB तक फ्री मिलता है, उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। तो शेयर शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है पहुंच जाएगी, और आप यहाँ पे सेंड फाइल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस व्यक्ति को ये फाइल भेजी हुई है। वापस इनबॉक्स में आते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर कोई फाइल आई हुई है तो उस फाइल को आप यहाँ से उसको रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये 3 जो डॉट दे रहे हैं किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी की फाइल आपके पास आई हो तो उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेज भी सकते हैं, या उसको वापस रिप्लाई भी कर सकते हैं। जब जिस दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो उसकी ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दोगे, तो ये जो फाइल आपके पास आई होगी वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुँच जाएगी। अगर रिप्लाई करना है, मान लीजिए इसी को वापस रिप्लाई करना है, तो आपको रिप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है उसका आपको मेटा डाल देना है, इसकी ईमेल आईडी डाल देनी है, तो उसको रिप्लाई हो जाएगा। जैसे दूसरी फाइल ले लेते हैं हम, रिप्लाई वाला ऑप्शन इस पे समझ में आएगा आपके, वो तो एक ड्राफ्ट में भी आ गई। यहाँ पे ही वापस इसी को हमें अगर गूगल को रिप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको रिप्लाई पे क्लिक करना है। बस यहाँ पे आप मैसेज डाल देंगे, वो अपने आप ही उसकी ईमेल आईडी ले लेगा कि आपको क्या भेजना है, या यहाँ से फाइल वगैरह भेजनी है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इसी के पास दोबारा रिप्लाई हो जाएगा। रिप्लाई का मतलब हमें उसकी ईमेल आईडी डालनी नहीं पड़ती, फॉरवर्ड में जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, और वापस सीधे नीचे वही ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको अटैच फाइल करनी है, कि आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप ईमेल आईडी बनाएंगे और बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे।